उसमें किसी में भी किसी की फुटेज नहीं है, क्या कारण है ऐसा? सीसीटीवी खराब देगा? सीसीटीवी किसने लगाए हैं? ठीक है, बंद भी करवा दे सीलमपुर में उसको, बंद कर के पानी भर भर के मेरे यहाँ से ले गए। उस दिल्ली पुलिस को बदनाम किया जा रहा है कि उन्होंने मिट्टी का तेल लेकर, मतलब तेल ले जाकर पड़े, जबकि दिल्ली पुलिस को सैल्यूट करना चाहिए जो 24 घंटे हमारी सेवा में लगी रहती है। 24 घंटे नहीं, 366 दिन, होली हो, दिवाली हुई, दो या कुछ कुछ भी त्यौहार हो, अपने परिवार को छोड़कर दिल्ली पुलिस के प्रत्येक जवान आपकी सुरक्षा और सुरक्षा में लगे रहते हैं। जब सबके नाम आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लोगों के नाम आ रहे हैं, कांग्रेस के नाम आ रहे हैं, देखो जेएनयू कहाँ से चली? जब जेएनयू में नारे लगाए जाते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे, वो किसने उससे मतलब सहायता की उसमें? कांग्रेस के आरिफ खान विधायक, ठीक है, और आम आदमी पार्टी का मोहम्मदुल्ला खान और राहुल गांधी कर रहे हैं सपोर्ट जेएनयू में, और प्रियंका गांधी कर रही है जामिया यूनिवर्सिटी में। मैं उसमें था जिस बस में इन्होंने आग लगाई थी, हम लोग तो अपना जान बचाकर वहां से भागे, हमें मथुरा रोड पर जाकर किसी तरह अपनी जान बचानी पड़ी। मैं ये कह रहा हूँ, हम कह रहे कैसे उनकी तो डिग्री की फिर दोबारा जांच करनी चाहिए, जो इस तरह आंदोलन में चाहे जेएनयू हो और चाहे जामिया इस्लामिया, मैं तो ये कहूंगा कि इनकी डिग्री की दोबारा जांच करनी चाहिए कि इनको कहीं फेक डिग्री तो नहीं कहीं से ले आए। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ राजधर्म के ऊपर। वैसे तो दिल्ली राजधानी है भारत की, लेकिन यहाँ पे जो रॉइट्स हैं, दंगे हैं, फसाद हैं, वो 3 दिन से लगातार जोर पकड़ते हुए दिखाई दे रहा है। आज के दिन थोड़ा कम हुआ है, लेकिन यहाँ पे सियासी पार्टीज जो है वो अपनी अलग ही रोटियां सेकती हुई दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे लोगों से पूछते हैं कि ये जो रॉइट्स हुए हैं, दंगे फसाद हुए, इसमें किसकी सबसे ज्यादा गलती है? विद्यार्थी की, या फिर कह लें विद्यार्थी के रूप में जो लोग घुसे हुए थे उनकी? कोई भी छात्र जो होता है, हम भी पढ़े हैं, हम भी कॉलेज में पढ़े, मेडिकल कॉलेज में पढ़ा हुआ हूँ मैं, मैंने भी आंदोलन किए हैं, विरोध किए हैं, मतलब इसी तरह का आंदोलन। देखो, एक होता है विरोध, एक होता है विद्रोह। छात्र विरोध कर सकता है, विद्रोह नहीं कर सकता। विद्रोह कर सकते हैं कौन? जो राजनीतिक पैदे होते हैं, जिन्हें राजनीतिक पार्टी अपने मुद्दे मतलब एक तरह पैदा बनाती है, उसके सारे मतलब आगे सीढ़ियाँ चढ़ती हैं। जैसे कि अभी जामिया में हुआ, आपका जेएनयू में, उसकी जो शुरुआत हुई थी ना वो जेएनयू से हुई थी। अगर जेएनयू में जब स्टार्टिंग में हुआ था ना, तभी अगर रुक जाता वो, तो ये किसी की हिम्मत नहीं पड़ती ऐसे जो मतलब सरकारी जो चीज़ें हैं उनको नुकसान पहुँचाने की, पहली बात। दूसरी बात ये है, ये जो एक्ट है ना, इसको जो भड़का रहे हैं लोग के ये विरोध में है, ये किसी के विरोध में नहीं है। हर भारतीय, जितने भारतीय हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी का ये नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, फायदे पहुंचा रहा है। ये उनके लिए है, शरणार्थी के लिए, किसी को शरण देनी कोई गलत बात नहीं है। दूसरी बात, लोग कह रहे हैं कि वहाँ की जो आगे अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, वहाँ के मतलब मुस्लिम को भी ले लो। हम ये चाहते हैं कि हमारे देश के मुस्लिम भाई जो हैं, क्योंकि ये जो देश है ना, सारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, ये जो है आतंकवाद की फैक्ट्री है, जो जहाँ से आतंकवादी पैदा होते हैं और इस्लाम का सहारा लेके ये आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। हम नहीं चाहते हमारे हिंदुस्तानी मुस्लिम भाई इसके सारे बदनाम हो, कि उनका इस्लाम धर्म को बदनाम करने के लिए वो आतंकवादी फैक्ट्री चला रहे हैं अपनी। इसलिए भाजपा एक ऐसी सरकार जो प्रतिबद्ध है सुरक्षा देने के लिए भारत की जनता को, बिना किसी जाति धर्म के आधार पर। ठीक है, तो पार्टी इसमें आपको क्या लगता है, कौन सी पार्टी, मतलब राजनीतिक पार्टी, कौन इसको उकसा रहा है सर, इस भीड़ को किसने उकसाया? सबके नाम आए हैं, मैं खोलना नहीं चाह रहा, आपने देख रहे हो 3 दिन से रोज डेली न्यूज चल रही है, जब सबके नाम आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लोगों के नाम आ रहे हैं, कांग्रेस के नाम आ रहे हैं। देखो जेएनयू कहाँ से चली? जब जेएनयू में नारे लगाए जाते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे, वो किसने उससे मतलब सहायता की उसमें? कांग्रेस के आरिफ खान विधायक, ठीक है, और आम आदमी पार्टी का मोहम्मदुल्ला खान और राहुल गांधी कर रहे हैं सपोर्ट जेएनयू में, और प्रियंका गांधी कर रही है जामिया यूनिवर्सिटी में। तो मैं कहना चाहता हूँ देशवासियों से, कांग्रेस तो करती है जो देश को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं, वो कांग्रेस उन लोगों को सपोर्ट कर रही है। और इधर केजरीवाल बोल रहे हैं कि ट्वीट करके कि शांति बनाए रखे, उनके विधायक पुलिस पर पथराव करवाते हैं आपके सीलमपुर में, और यहाँ पे कांग्रेस के विधायक क्या भड़काऊ भाषण देते हैं अपने ट्विटर अकाउंट पर। तो बताइए सीसीटीवी के लिए जो उन्होंने, आप रुकिए सर, ठीक है, से याद आया मुझे, सुनो 2.5 लाख 5 लाख जो उन्होंने लगवाए हैं उसमें किसी में भी किसी की फुटेज नहीं है, क्या कारण है ऐसा? सीसीटीवी खराब देगा? सीसीटीवी किसने लगाए हैं? ठीक है, बंद भी करवा दे सीलमपुर में, उसको बंद करवा दिया, पहले तो धरने पे बैठ के उसका बिल पास करवाया, फिर काम किया जब उसमें फुटेज ही नहीं आई है, लोगों को बदनाम करें, दिल्ली पुलिस का बदनाम किया जा रहा है, दिल्ली पुलिस जो सबके साथ खड़ी होती है उसको बदनाम किया जा रहा है। उसकी कैनों में जो पानी, जो सलीम बंदा है वहां पे, उसने अपना इंटरव्यू दिया है कि पानी भर भर के मेरे यहाँ से ले गए। उस दिल्ली पुलिस को बदनाम किया जा रहा है कि उन्होंने मिट्टी का तेल लेकर, मतलब तेल ले जाकर पड़े, जबकि दिल्ली पुलिस को सैल्यूट करना चाहिए जो 24 घंटे हमारी सेवा में लगी रहती है। 24 घंटे नहीं, 366 दिन, होली हो, दिवाली हुई, दो या कुछ कुछ भी त्यौहार हो, अपने परिवार को छोड़कर दिल्ली पुलिस के प्रत्येक जवान आपकी सुरक्षा और सुरक्षा में लगे रहते हैं, प्रत्येक जवान। इनकी मानसिकता दिखाती है जो देश की, जो दिल्ली है राजधानी है हमारी, देश की राजधानी का मुख्यमंत्री दिल्ली पुलिस को सीधे बोलती है ठुल्लू, उप मुख्यमंत्री ऐसा वीडियो ट्वीट करता है जो बाद में जाकर फेक बन जाती है। तो ये अपने आप में उनका मानसिकता दिखाता है कि वो किस तरीके से राजनीतिकरण करना चाहती हैं। और दूसरी बात रही बात दिल्ली पुलिस अंदर गई बिना परमिशन का, विद्यार्थी को पीटा, मैं सब
सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं भी एक सीए स्टूडेंट हूँ, मैंने भी आंदोलन किया, हमारा भी आंदोलन चला 6 दिन, इतना विद्रोह कभी नहीं हुआ, ठीक है, हम ना ही हमने तोड़ पर ऐसा कुछ किया, ठीक है। आप स्टूडेंट हो, प्रदर्शन करने का हमारा मूल अधिकार है किसी भी पक्ष या विपक्ष को, ठीक है, प्रदर्शन करो, शांतिपूर्ण करो ना, ये थोड़ी कि आपका रातों रात ऐसा लोकतंत्र खतर में आ जाता कि आप पुलिस बहुत उड़ा दोगे, जला देंगे। मैं बता दूं मैडम, मेरी मैं ये जानता हूं, चूंकि उस दिन मैं उसमें था जिस बस में इन्होंने आग लगाई थी। हम लोग तो अपना जान बचाकर वहां से भागे, हमें मथुरा रोड पर जाकर किसी तरह अपनी जान बचानी पड़ी। मैं ये कह रहा हूं, जो भी पार्लियामेंट पास करती है वो पार्लियामेंट में दो सदन, एक उच्च सदन एक निम्न सदन, दो तिहाई बहुमत से जो एक्ट पास हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट को भी पावर नहीं है कि उसको उसमें कोई पलट दे, ठीक है ना। अब जो भी लोकसभा या राज्यसभा से जो पास किया गया वो एक कानून बन गया, हम कह रहे कैसे उनकी तो डिग्री की फिर दोबारा जाँच करनी चाहिए, जो इस तरह आंदोलन में चाहे जेएनयू हो चाहे जामिया इस्लामिया, मैं तो ये कहूंगा कि इनकी डिग्री की दोबारा जांच करनी चाहिए कि इनको कहीं फेक डिग्री तो नहीं कहीं से ले आए। दूसरी बात है, ये स्टूडेंट कहीं नहीं थे, ये लोग थे जिनको भड़काया गया, जनता के द्वारा भड़काया गया, संबंधित विधायक के द्वारा भड़काया गया। मैं तो कह रहा हूँ कि बल्कि स्टूडेंट नहीं था, क्योंकि एक मिनट मैं तो ये कहूंगा कि जो भी स्टूडेंट, मानकर चलिए कि अगर ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट को जैसे भी किया गया, स्टूडेंट अगर स्टोन बाजी करके उस प्रेमाइज में घुसेगा तो दिल्ली पुलिस तो चूड़ी पहनकर तो बैठी ही नहीं है, उनको खींच कर लाएगी और उसके बाद उनको प्रेजेंट करेगी। दिल्ली पुलिस का हम सबको ताली बजाकर स्वागत करना चाहिए, जिसने मेरे जैसे लोगों को, हमारा पूरा परिवार जा रहा था और उन्होंने उसको बचाया, नहीं आग लग जाती, हम लोग जो फिल्मिस्तान में अनाज मंडी में दम घुट कर उसमें मर जाते, ठीक है ना। ये नया इन्होंने जो विद्रोह उत्पन्न किया है, हम तो कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस को सैल्यूट करके भी माननीय सुप्रीम कोर्ट को, दिल्ली पुलिस को अवार्ड देते हुए और विधायक की जमानत जब्त सर उनकी विधायकी को रद्द करवाने का काम करना चाहिए। ठीक है, इसमें संजय सिंह ने बयान दिया है, उन्होंने बोला है कि अमनतुल्ला खान का कोई वो हाथ नहीं था। देखिए, अमनतुल्ला खान ने खुद बोला है बीजेपी डर रही है इस वजह से उसने ऐसा बयान। नहीं, आप देखिए मनीष उप मुख्यमंत्री का जो बस का जो नंबर दिया था वो बिल्कुल ही गलत साबित हुआ था। उस बल पर पुलिस तो खुद जाकर पानी डालकर उसको बुझा रहा, वो नंबर आया ही नहीं। दूसरी कहा अमानुल्लाह खां कह रहे हैं कि मैं तो लोगों को शांति प्रदर्शन के लिए किया था। शांति प्रदर्शन का क्या मतलब है, आप क्या एक्ट क्या उठा रहे हो, 370 में चुप रहे ना, उसमें चुप रहे, हम इस पर नहीं चुप रहेंगे। जो इस तरह से प्रदर्शन कर रहा है वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेगा, उकसाने का काम विधायक या विधायकी उनकी रद्द होनी चाहिए। मेरा सीधा से कहना ये है, जब जामिया का स्टूडेंट नहीं, जब वो दौड़ रहे थे अंदर, तो आपने गेट क्यों बंद नहीं किया, आपने क्यों उनको अंदर आने दिया, कि आप लोग चूड़िया पहन रखे थे तब, आपके एक तत्व को अंदर घुसने की अलाउ करते हो, परमिशन देते हो, और ये लोग ऐसे लोग हैं जो देश के नारे लगाते, देश विरोधी, देश टुकड़े करने की, तो क्या दिल्ली पुलिस हाथों में हाथ रख के खड़े रहेंगे, कि अगर मैं इनको सर को मैं एक थप्पड़ मारूंगा, क्या मैं इंतजार करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट कब इजाजत है मैं इनको मारने का। मैं महात्मा गांधी नहीं हूं, मैं दस जड़ूंगा तेरा बता रहा मैं, वही तो मैं बोल रहा हूं, क्या दिल्ली पुलिस ये इंतजार करेगी, क्यों नहीं करेगी। एक बार बताइए, बॉलीवुड वाले जो स्टार्स हैं वो हर चीज में अपनी टिप्पणी देते हैं, उनका काम है लोगों को एंटरटेन करना, ये बात मानते हैं आप? बिल्कुल मानते होंगे, बिल्कुल मानते हैं, ठीक है। अब पुलिस कर्मियों को बोल रहे हैं स्टूडेंट के साथ बहुत गलत बात हुई है, बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है, और शिवसेना का भी बयान, ये पहले ये वाला बताइए सर, कि बॉलीवुड के जो मतलब स्टार्स हैं वो बोल रहे हैं पुलिस ने बहुत गलत किया है स्टूडेंट्स के साथ, इसके ऊपर क्या बोलिए? मैं इसके ऊपर बोलना चाहता हूँ, उन खान से, जो तीनों खान जिन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति को ठेस पहुंचाई है और ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं, चाहे आमिर खान हो, चाहे सलमान खान हो, और चाहे आपके शाहरुख खान हो, तमाम वे लोग जो देश की फिल्मी दुनिया में बैठे हुए हैं, और वे अवार्ड वापसी गैंग कहाँ है, मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो अवार्ड वापसी करते हैं, अरे कहाँ कौन से बिल में छुपे बैठे हो आप लोग, आप बाहर निकलने की कोशिश करिए, अरे दिल्ली पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं, आप चुप क्यों हो, और जब एक बेटी के साथ में रेप की घटना होती है हैदराबाद के अंदर तब भी आप चुप थे, आज भी आप चुप हो, और जो पुलवामा की घटना हुई हो तब भी आप चुप थे, लेकिन आप एक छोटी सी घटना पर टिप्पणी करते हो, मैडम छोटी सी घटना पर टिप्पणी करते हो। जब देश के किसी भी नागरिक को बाहर निकालने का ये बिल है ही नहीं, तो देश के नागरिकों को किस बात पर ये हिंसा हो रही है। मैं चार पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बाहर के दुश्मन को हमने घर में घुसकर मारा है, बाहर के दुश्मन को हमने घर में घुसकर मारा है, मगर हमारा भारत केवल घुसपैठों से हारा है, नहीं जाएगा देश के बाहर कोई भी भारतवासी।
आग लगाना बंद करो, आग लगाना बंद करो, आखिर मुल्क हमारा है। शिवसेना के लिए क्या बोलिएगा सर, उन्होंने जैसे ही उनका गठबंधन हुआ, अब उनके मतलब संजय रावत जी, उनका बयान आता है जलियांवाला बाग मेरे को याद आ चुका है, ये जो ठीक है उद्धव ठाकरे उद्धव ठीक है उसने उन्होंने बोला है कि मतलब जलियांवाले बाग का सीन मुझे याद आ गया, जैसे उस समय फौजियों को मारा गया था बंद करके, एक मतलब कमरे में बंद करके मारा गया था, वैसे ही इन बच्चों को भी पुलिस जो उसी तरीके से करी, तो क्या बोलिएगा? नहीं देखिए, वो तो पहले झूठ बोल रहे हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ कि पुलिस ने बच्चों को बंद करके मारा है या कुछ है, क्योंकि पहले तो स्टार्टिंग पुलिस के ऊपर ही अटैक होना शुरू हुआ है, पुलिस वाले खुद कह रहे हैं कि वो लोग इतने प्रिपेयर ही नहीं थे कि कहीं भी प्रदर्शन होता है तो वो स्लोली पेस उठाता है, लेकिन ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं ये पूरी तैयारी के साथ हो रहे हैं, पूरे के पूरे मतलब इन्होंने पेट्रोल बम, क्या होते हैं स्टूडेंट्स पेट्रोल बम लेके क्या करेंगे, वो पढ़ने आते हैं किताबें लेके आएंगे कॉलेज कैंपस में या पेट्रोल बम लेके आएंगे, अब उनसे पूछो वो बसें क्यों चलाएंगे स्टूडेंट्स, उनकी क्या डिमांड थी वहाँ पे, जामिया में फीस की डिमांड थी या क्या थी, और वो पढ़े लिखे लोग हैं, तो इन्होंने स्टूडेंट्स की आड़ लेके अराजक तत्वों ने कि ये दिखाने की कोशिश करी है कुछ नेताओं ने कि ये जो कर रहे हैं ना ये स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जबकि स्टूडेंट्स का रोल नहीं था, इसलिए उन्होंने जामिया के बाहर ये सब करना स्टार्ट करा ताकि उनको बैकअप मिल जाए स्टूडेंट्स लॉबी का। और दूसरी बात ये है, उद्धव ठाकरे अपनी भाषा नहीं बोल रहे हैं, वो कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये चिंता है कि अब मैं कुछ भी अगर अगेंस्ट द कांग्रेस करूंगा तो मेरी ये 5 साल तक ये सत्ता चलने वाली नहीं है, तो वो अपने इस कुर्सी के मुंह में और इस सत्ता के लालच में वो कुछ भी कर गुजरेंगे उद्धव ठाकरे इस समय। देखिए जहाँ तक आपने उद्धव जी की बात की, तो उद्धव जी ने आप ये देखिए शिव सैनिकों को कितना बड़ा धोखा दिया, शिव सैनिकों को कितना बड़ा धोखा दिया कि जिस पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने इलेक्शन लड़ा, शिव सैनिकों से उन्होंने बिना पूछे जो है ऐसी पार्टी का हाथ थामा जो जिसको वो हमेशा पिछले 50 साल से वो और उनके फादर जो है वो गालियाँ निकालते।